What's up guys, I hope you are doing well. इस वीडियो के द्वारा मैं आपको etymology के बारे में कुछ बातें बताऊंगा. Vocabulary सीखने का सबसे आसान तरीका होता है etymology. अगर etymology आती है तो कोई भी नया वर्ड आ जाए तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं तो उसके आसपास का मतलब तो निकाल ही सकते हैं. अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए etymology से बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है. किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर वोकेबलरी अच्छी हैं तो हम इंग्लिश के सेक्शन का 80% भाग बिना ग्रामर के ही बना सकते हैं. अगर आप etymology पढ़ते हैं तो रोज़ाना 40 वर्ड्स सीख सकते हैं. मैं आगे के वीडियो में आपके लिए रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स पर आधारित वर्ड्स लेकर आऊँगा, जिनको देखने के बाद इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. अगर वोकेबलरी का सेक्शन अच्छा करना है तो इस सीरीज के आगे के वीडियो ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आपने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद.